रबल पैलेस एंड गार्डन्स में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट करने, और कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, पर फिर भी चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बिकॉज लेट्स गो। जैसा कि मैं बोल रही थी, फ्री का ब्रेकफास्ट होटल का कौन ही छोड़ना चाहता है। यहाँ पे मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि कुछ अच्छा मिलेगा, बट फिर भी ब्रेड जैम और फ्रूट्स मिल जाए तभी बहुत है, क्योंकि हम अभी फिर से निकलेंगे और दूसरे जगह जाएंगे, और उससे पहले बहुत सारी जगह घूमेंगे। तो मुझे था कि मैं डायरेक्ट लंच करूँगी, बट क्योंकि हमारा साथ में है, सो वी नीड समथिंग टू फ्यूल अप राइट नाउ। सो आ चुके हैं हम हमारे यहाँ पे। बहुत ही क्यूट सा सेटिंग है, मैं दिखा देती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। Yeah, do you have some breakfast? Yes, but we close in 10. So this is the setup. बहुत क्यूट सा है। This is the place. ये है अमाया। So basically बहुत सारी चीज़ें ही हैं, इतना मैंने उम्मीद नहीं किया था जितना है। So I'm so happy. लकीली हमें ऑरेंज जूस मिल गया है। सुबह से हमारा जूस जूस कर रही थी, ऑरेंज जूस यहाँ पे था। संदीप पहले आके लेके जा सकता था उसके लिए। दिस इज द ब्रेकफास्ट स्प्रेड विद दिस व्यू। कैन यू सी हाउ प्रिटी? माउंटेन्स है, ये पूरा हाईवे है, वहाँ पे एयरपोर्ट भी है। इट्स प्रिटी। दिस इज माई हस्बैंड हु इज लुकिंग हैंडसम। This is my daughter. She is also looking very, very cute and pretty. This is the view. And this is me. ये आज का मेरा OOTD है। इसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी, क्या होंगी ये पता नहीं, अभी जाके देखेंगे रूम में। बहुत कुछ बाकी है, लिपस्टिक नहीं लगाया है, जस्ट थोड़ा सा लिप बाम लगा के आई हूँ। और अभी खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर जाते हैं जल्दी से। बाय। मैंने जो ये हॉट चॉकलेट बनाया है ना, बहुत सही बना है। परफेक्ट अमाउंट ऑफ मिल्क था। मैं जनरली हॉट चॉकलेट फुल मिल्क से बनाती हूँ, यहाँ पे मैंने क्रीमर यूज़ किया है, तो इसकी वजह से मैंने हॉट वाटर और क्रीमर यूज़ किया है, जिसकी वजह से वो फ्लेवर काफ़ी सही आया है। मुझे लगा नहीं था, क्योंकि मैंने हॉट वाटर यूज़ किया था, मुझे लगा नहीं था उतना अच्छा कंसिस्टेंसी आएगा, बट क्रीमर की वजह से आ गया। इट्स वेरी नाइस। ऑल्सो ये जो म्यूसली है, कॉर्नफ्लेक्स मैं खा रही हूँ, ये भी बहुत सही है। ये है रूम, मैंने टाइडी कर दिया है एंड ऑलमोस्ट क्लीन है। वहाँ पे गंदे टॉवल्स हैं, यहाँ पे टॉवल है जिससे अमाया को हमने वार्म स्पंज किया था। एंड यहाँ पे मेरा शू है, ये मैं इसे कार में रख दूँगी, बैग अभी ले लूँगी, मेरा बैकपैक और जैकेट। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द विंडो। इज़न्ट इट ब्यूटिफुल? गाइज हाय। एक चीज़ चेंज हुआ है, मैंने अपने शू चेंज कर लिए हैं अभी, सो वो हम बाहर निकल के बाद में आप लोगों को दिखाते हैं। दिस इज द टॉप। अभी पता है मेरा ना, ये मैंने एल मंगवाई थी, मुझे लगा मेरे को तो एक्सेल फिट हो रहा था, तो मैं अभी एल मंगवा लेती हूँ। एल भी मुझे थोड़ा सा लूज हुआ है, बट अच्छा हुआ है ये थोड़ा सा लूज है, क्योंकि लूज फिटिंग से अच्छा लग रहा है। बट या आई एम हैप्पी। मेरे जैकेट का साइज 12 है और वो थोड़ा सा लूज है, क्योंकि मैं अंदर मैंने सोचा था थर्मल, उसके ऊपर मतलब एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, उसके बाद जैकेट पहनूंगी, जैसे मैंने स्विट्जरलैंड में किया था 2016 में। तो मुझे लगा था उतना ठंड होगा, ऑस्ट्रिया भी ठंडा जगह है, तो बट ऐसा हुआ नहीं, तो सिर्फ एक लेयर के ऊपर पहन रही हूँ, तो थोड़ा सा वो लूज है और साइज 12 है, बट मुझे लगता है साइज 10 मुझे ईजिली फिट हो जाएगा। मतलब अभी जो भी मैं ला रही हूँ, परचेज कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा लूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं फिर से अगर मोटी हो गई तो क्या होगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं मिराबल पैलेस एंड गार्डन्स। ये एक बहुत फेमस टूरिस्टी प्लेस है, वहाँ पे आप जा सकते हो अगर आप हो यहाँ पे। इट्स ब्यूटीफुल। लेट्स सी।
और आज हम लोग ब्लैक आर्मी बन के घूम रहे हैं, सब कुछ ब्लैक है हमारा। हैप्पी पूजो, दुर्गा पूजो भी चल रहा है, तो हैप्पी दुर्गा पूजो टू एवरीवन। अभी हम लोग हैं मिराबल पैलेस एंड गार्डन्स में। हम लोग अभी गार्डन के अंदर है। पैलेस में जाने का मन है बट आई एम नॉट श्योर कि मैं जाऊंगी या नहीं। मैं इतना ज़्यादा पैलेस पर्सन नहीं हूँ बट फिर भी एज यू कैन सी दिस इज़ द व्यू, दिस इज़ सो प्रिटी। यहाँ पे भी है एंड हर तरफ आप जहाँ पे भी देखोगे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्ट्री मौजूद है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस अगर आप उस नज़र से देखना चाहते हो, और नेचुरली भी बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप लैंडस्केपिंग्स देखोगे बहुत सुंदर है। Can you show us your baby? Oh. Can I just let over here? हमने अमाया को छोड़ दिया है ताकि वो थोड़ा एंजॉय कर पाए। अभी मैं बैठी हूँ मिराबल गार्डन्स में। बहुत देर से बैठे हैं हम लोग, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड जो पीस मिलती है ना ये फाउंटेन की आवाज़ से, इट्स लाइक ये सी के सामने बैठ के जो पीस मिलता है उस टाइप का। बट बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, आज फ्राइडे है फिर भी क्राउडेड है, ऐसा लग रहा है जैसे वीकेंड है। एंड अभी धूप भी निकल आई है सो इट्स नाइस। अभी हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, तो लेट्स गो। जगह इतनी प्यारी है ना, मैं आप लोगों को बोल के समझा नहीं सकती। सिर्फ आप अगर सामने से देखोगे तो आपको पता चलेगा, दिस इज सो 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 प्रिटी। इट्स लाइक स्विट्जरलैंड का वर्जन है सेम, मतलब स्विस जैसा प्रिटी है। यहाँ पे माउंटेन, यहाँ पे पाइन ट्रीज एंड ब्यूटीफुल इट इज, लेक्स वगैरह। जस्ट लुक एट दिस, ड्राइव भी इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, प्लस सन, अभी सनशाइन भी है। यहाँ पे रोड का कुछ काम चल रहा है तो ये लोग मैन्युअली एक बार इस रोड को ब्लॉक कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक ना हो, एक बार उस रोड को ब्लॉक कर रहे हैं कि देखिए वहाँ से कार आ रही है, तो अभी ये ट्रैफिक खोल देंगे और उसको वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक करके रख देंगे ताकि वहाँ से यहाँ आए, यहाँ से वहाँ जाए। तो ऐसे ही ये लोग कर रहे हैं ताकि ये रोड काफ़ी छोटा है और माउंटेन्स में है, कोई एक्सीडेंट्स ना हो या कोई प्रिकॉशन के लिए ऐसे कर रहे हैं। Thank you.
गाइज हम लोग अभी हमारे होटल जा रहे हैं, बट उससे पहले वो है हमारा होटल पीछे, बट उससे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ मैं ये इतने सुंदर जगह पे हूँ। इट्स लाइक कि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, स्विट्ज़रलैंड का ही वर्शन है, बट इट्स सो ब्यूटिफुल। मैं कैसे बताऊँ, कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है, एंड आई जस्ट कांट टेल यू हाउ प्रिटी दिस प्लेस इज। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। वहाँ पे हॉर्सेस हैं। दैट्स आवर होटल। और ये एक्चुअली हमारा ये ना स्की रिसोर्ट है, स्की होटल भी बोल सकते हो आप इसे। इसके अंदर हीटेड पूल्स वगैरह सब कुछ है, एंड क्योंकि अभी विंटर नहीं आया है, इट्स ऑटम ओनली, तो अभी स्कीइंग नहीं कर सकते हैं, बट एक्चुअली आप यहाँ से स्की कर सकते हो वहाँ पे जाके माउंटेन्स में। होटल विद दिस व्यू, ऑटम। तो ये हमारे होटल में हम आ चुके हैं। एंड सी ये बार्न कन्वर्शन है और ये रिसेप्शन है और दिस इज़ द हॉल वे। यहाँ से होके ही हमारे रूम तक जाएंगे, एंड बहुत ही प्यारे प्यारे से हेलोवीन डेकोरेशन आप देख सकते हो। इट्स प्रॉपर फेस्टिव सीजन टाइप वाइब्स दे रहा है, एंड अच्छा भी लग रहा है क्योंकि हमारा दुर्गा पूजा भी अभी चल रहा है, एंड ये डेकोरेशन देख के मन बहुत खुश हो रहा है। ये वाला होटल ना इतना ज़्यादा सुंदर है, विथ अमेजिंग व्यू, और सारी फैसिलिटीज भी मौजूद है इसमें, और सारा रूम टूर वगैरह नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय।